and that sounded really beautiful. Beautiful. Hi sir, welcome to UrbanAsian. How does it feel now that your song is doing so well? I mean, it's not even a week. जहाँ तक गाना और इस लेवल पे आके गाने रिलीज करना, बैक टू बैक काम करना इंडस्ट्री में, तो सबको अच्छा लगता है. ये ड्रीम था जब हम छोटे थे तो चाहते थे कि कहीं ना कहीं लाइफ में कैसे ऐसी जगह पे ऐसे मुकाम पे जाए जहाँ पे जाके एक सेटिस्फैक्शन हो लाइफ में कि हमने कुछ अचीव किया, तो वैसा एक सेटिस्फैक्शन तो है. बट उसके साथ साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है क्योंकि इस जर्नी में आ गए हैं, यहाँ पे ऐसे बड़े बड़े लोगों के साथ कॉम्पिटिशन में आ गए हैं, तो अच्छा म्यूज़िक बनाना, अच्छे गाने लिखना, वो डिलीवर करना, वो एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. तो अभी तो फोकस उसी पे. आपने अभी तक मोस्टली सिर्फ गाने लिखे हैं, ये पहली बार है जो आपने गाना कंपोज किया है, ये ट्रांजिशन कैसे हुआ था? एक्चुअली गाने तो मैंने पहले भी एज ए म्यूजिक डायरेक्टर किए हैं, दो गाने किए मैंने, टूटे पाथ था और फिर मुलाकात था जो चिट इंडिया में था, बट वो एज ए ड्यू मैंने किया था, ये मेरा सोलो है. तो ये बड़ी अच्छी बात है क्योंकि काम करते करते मैंने सीखा है लोगों से, क्योंकि म्यूज़िक मैंने कहीं से सीखा नहीं, बट इतने सारे अच्छे अच्छे म्यूजिशियन के साथ बैठता हूँ, यहाँ आने के बाद और भी सिटिंग्स करता रहता हूँ लोगों के साथ, मेरे सबका एक पता रहता है कि कौन कैसे बनाता है म्यूज़िक. कभी कभी ऐसा होता है कि किसी और कंपोजर के साथ बैठा हूँ और कुछ आइडियाज़ शेयर करता हूँ, जैसे वो लोग लाइन्स शेयर करते हैं, जैसे मैं कुछ लिख रहा हूँ तो बोलते भाई ऐसा कर सकते हैं, ये लाइन अच्छी लगेगी, तो वैसे मैं भी अपने इनपुट्स देता रहता हूँ, क्योंकि एज ए फ्रेंड मैं उस जगह पर काम करता हूँ, सारे मेरे दोस्त ही हैं, तो उनको जो आइडियाज़ देता हूँ उनके बाद मुझे भी लगता है कि हाँ अगर मेरा आइडिया अच्छा है, उनको पसंद आ रहा है, तो मीन्स कि मुझे कुछ समझ है म्यूज़िक की. तो मैंने ऐसे धीरे धीरे करते करते अपना खुद के गाने, जो काफ़ी पुराने जो कंपोजिशन थे जो मैंने वॉइस नोट बना बना के रखे हुए, वो मैंने बनाना शुरू कर दिया, उनको मैंने फाइनल टच देना शुरू कर दिया, और वो गाने फिर अभी लेबल्स को पसंद आ रहे हैं. दूसरा ये भी हो जाता है कि एज ए लिरिसिस्ट मैंने बहुत सारे गाने किए हैं, मतलब लास्ट ईयर के जितने गाने किए हैं सारे सुपर ही गाने रहे, दुनिया था, चले आना, फिर तुम ही आना, मलंगी दिल गाने किए मैंने, स्ट्रीट डांसर आई थी. तो एज ए लिरिसिस्ट मैंने काफ़ी मतलब काम किया है और आगे भी एज ए लिरिसिस्ट ही मैं चाहता हूँ कि सबसे पहला मुझे लोग जाने, तो एक राइटर के रूप में ज़्यादा जाने. अच्छे गाने अगर मैं बना सकता हूँ तो मेरी कोशिश रहेगी मैं अच्छे गाने बनाऊँ, तो क्योंकि एक एक्स्ट्रा अगर हुनर मेरे में है और लोगों को पसंद आता तो मैं क्यों ना बनाऊँ. आप अपनी जर्नी के बारे में कुछ बता सकते हो, अपने स्ट्रगल पीरियड, फर्स्ट ब्रेक और इन सब के बारे में? मेरे को कभी मतलब ऐसा फील नहीं हुआ कि मैं स्ट्रगल कर रहा था, क्योंकि मुझे ये पता है कि मैं तब भी अपने बेस्ट पे था, उस वक्त मैंने वो किया जो मैं तब बेस्ट कर सकता था, आज मैं वो कर रहा हूँ जो मैं आज बेस्ट कर सकता हूँ, वो मेरी अपने आप से एक लड़ाई रहती है. तो उसी दौरान ये 15 साल कब निकल गए मुझे पता नहीं चला, तो मैंने काफ़ी एंजॉय भी किया है, चीज़ें हुई हैं, मुश्किलें आई हैं, हारा भी हूँ कई बार, बट वो स्ट्रगल वाली फीलिंग कभी आई नहीं मुझे. अब ये तू याद आया, दैट्स योर सॉन्ग विद अदनान सर, कैसा था ये पूरा एक्सपीरियंस अदनान सर के साथ काम करना? क्योंकि आपने पहले आई मीन ट्रेलर सॉन्ग लॉन्च पे बोला था कि बहुत रात भर पूरा चल रहा था, दोनों म्यूजिक आई मीन अदनान सर पियानो पे बैठ रहा था, अब उस वो एक्सपीरियंस के बारे में कुछ बोलो. एक्चुअली कहने को तो म्यूजिक मेरा इस गाने में, बट जो मेन क्रेडिट्स का जाता है वो जाता है अदनान सर खुद को, क्योंकि अदनान सर ने काफ़ी सारे इनपुट दिए, अरेंजमेंट मतलब हमारे माइंड में कुछ और था, उन्होंने इतना ह्यूज उसको सोचा था, और वो आप गाना सुनेंगे आपको पता चल जाएगा कि वो पूरा लग रहा है कि इट्स टिपिकल अदनान सामी सॉन्ग. तो वो वहाँ उनके काफ़ी इनपुट्स थे, वो खुद अरेंजमेंट पे आदित्य देव जब ऑन बोर्ड आए तो उनके साथ वो बैठे, एंड आदित्य देव आप सबको पता है कि राइट नाम इंडस्ट्री की तरफ से जाने माने म्यूजिक प्रोड्यूसर और अरेंजर है, तो वो जब आए तो मेरा टेंशन थोड़ा कम हो गया. बट जब अदनान सर जब स्टूडियो आए तो मुझे थोड़ा डर लग रहा था, क्योंकि हम उस गाने पे काम कर ही रहे थे, एंड जब सर आए उनको बेसिक कुछ सुनाया था, एंड उनका पहला रिएक्शन था कि काम हो गया मैं जाता हूँ, एंड फिर वो थोड़ा सा मुस्कुरा के बोला कि चलो स्टार्ट अच्छी मिली अपने को, अपन उस पर आगे काम करते हैं. तो काफ़ी मतलब वो रात रात पर काम करते रहते थे, 3 रात कंटिन्यू आदि भाई के साथ में वो लगे रहते थे, मैं और अमर जिसने मतलब काफ़ी हेल्प किया मुझे इस गाने में बेटर करने के लिए, इसको एडिशनल काफ़ी काम किया, तो हम दोनों बैठे रहते थे उनको देखते रहते थे.
और वो बस लगे रहते थे। हम तो एक बार तो हम सो भी गए थे आई गेस, तो उनकी मेहनत मतलब काफ़ी रही है इस गाने के पीछे, तो मैं थैंक्स बोलता हूँ दोनों जीनियस को जिन्होंने। आपको क्या लगता है कि लिरिसिस्ट को उतना ज़्यादा क्रेडिट नहीं मिलता है जितना सिंगर्स को मिलते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने काम में अगर हीरो हो, अगर आपके लिरिक्स उस गाने के हीरो हैं, क्योंकि गाना सुन के वो ये कहता है कि अरे यार लिखा किसने, तो इट मीन्स कि आपको लोग पूछेंगे जरूर, ऐसा नहीं है कि आपको देखा ही नहीं जाएगा। बट उतना अच्छा काम करना पड़ता है कि क्योंकि मेरी जिम्मेदारी ये रहती है कि कंपोजिशन कितनी भी अच्छी हो, एटलीस्ट मैं लिरिक्स इतने अच्छे लिखूँ कि लोग गाना सुनते टाइम ये भी सोचे कि यार लिखा किसने, तो वो कोशिश मेरी रहती है। आपका व्यूज़ क्या है ऑन द रिक्रिएशन ऑफ सॉन्ग्स, क्योंकि बहुत सारे पुराने गाने जस्ट आई मीन उनके लिरिक्स भी मोस्टली सेम ही रहते हैं, कुछ ज़्यादा चेंज नहीं है। तो रिक्रिएशन पे मेरा कहना तो ये कि क्योंकि रिक्रिएशन क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं कि मैं रिक्रिएशन को हेट करता हूँ या उनको सपोर्ट करता हूँ। मेरा मानना है कि रिक्रिएशन शायद इसलिए होते हैं क्योंकि जो नई जनरेशन है उनको पता भी नहीं है कि पुराने गाने काफ़ी सारे बड़े अच्छे गाने हैं, जो अच्छा म्यूज़िक था वो लोगों ने सुने हुए नहीं, तो वही गाने किसी नए तरीके से पब्लिक के सामने लाया जा रहा है कि ये भी गाने अपनी इंडस्ट्री के गाने हैं सारे और काफ़ी सुपरहिट गाने थे और वो लोगों को पसंद भी आ रहा है। बट ऐसा होता है कि उसको रिक्रिएशन करना एक बड़ी जिम्मेदारी वाला काम होता है। मैंने ज़्यादा रिक्रिएशन किया नहीं है, मैंने एक रिक्रिएशन किया था जो काफ़ी क्रिटिकली भी काफ़ी अप्रिशिएट हुआ था, वो गाना था घर से निकलते ही, तो आप उसमें देखेंगे तो खाली वो एक लाइन थी घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही, वो एक चंक सिर्फ सेम था। उसमें लिरिकली भी आप देखोगे मैंने पूरी कोशिश करी है कि जो लिरिक्स ओरिजिनल थे वो उस टाइम के हिसाब से काफ़ी यंग नए लिरिक्स थे, और जावेद सर ने लिरिक्स लिखे थे तो मेरे पे एक जिम्मेदारी थी कि मैं कुछ तो ऐसा लिखूँ कि लोग मुझे ये ना बोले कि भाई तुमने गाना ख़राब कर दिया। एंड अरमान की कंपोजिशन बहुत प्यारी थी, अरमान ने गाया भी बहुत अच्छा था, तो वो लिरिकल जो एक लिबर्टी थी मेरे पास और जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी मैंने वो पूरा निभाने की कोशिश करी और बड़े अच्छे से बहुत प्यार से एक लंबा टाइम लेके हमने वो रिक्रिएशन किया, और काफ़ी लोगों ने मुझे ये बोला कि भाई अगर रिक्रिएशन हो तो ऐसा हो क्योंकि ये गाने का लेवल आपने अप कर दिया वापस, तो वो एक अच्छी चीज़ थी जो एक कॉन्फिडेंस वापस आया कि हाँ एक अच्छे गाने को अगर रिक्रिएट अच्छे से करते हैं तो वो और अच्छा बन जाता है। आज की कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री जो कॉम्पिटिटिव हो चुकी है, इसमें न्यू कॉमर्स के लिए बहुत स्ट्रगलिंग फेज है कि बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया उनके लिए थोड़ा अच्छा हो गया है? दोनों चीज़ें हैं, क्योंकि अभी थोड़ा सा म्यूज़िक का सीन थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो गया है। पहले ये था कि लोग आते हैं टैलेंटेड होते हैं चांस मिल जाता है, इतनी भीड़ नहीं थी पहले, बहुत जो काफ़ी एक्स्ट्रा टैलेंटेड जो लोग थे उन्हीं को मौका मिलता था। बट अभी ये भी एक फैसिलिटी है कि आपने एक एक्सपेक्टर है कि आप अच्छा परफॉर्म करते हो, अच्छा गाते हो, आपकी टेक्निक्स कुछ डिफरेंट है, आपका वो वोकल टेक्सचर अलग है, तो आपके पास में एक सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब है, उससे आप हिट होके सीधा इंडस्ट्री में आ सकते हो, ये एक अच्छा एडवांटेज जो पहले नहीं होता था। सो कल वैलेंटाइन डे है, आपके प्लान्स क्या है इसके लिए? मेरे वैलेंटाइंस डे पे कोई ऐसा प्लान नहीं है, मैं चाहता हूँ कि मैं भी अच्छे से सेलिब्रेट करूँ जिसके बाद मुझे करना है, और अगर एक अच्छा गाना बना लूँ कल तो उससे अच्छा तो मेरे लिए कोई वैलेंटाइन गिफ्ट होगा ही नहीं, क्योंकि वो फिर मैं मेरे फैंस को उन सबको ही देने वाला हूँ बना के। तो आई होप कि बाकी सब लोगों को बोलता हूँ कि अच्छे से मनाइए, और कहता ना कि प्यार करना ज़रूरी है, क्योंकि हम उस फेज से आ गए हैं बाहर, तो हम आप लोगों की कहानियाँ हम लिखते हैं, आपके एहसास हम लिखते हैं, बट आपको जीना पड़ेगा जो हम लिखते हैं, उनको सुन के आप फिर कनेक्ट करोगे, क्योंकि प्यार ना बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है लाइफ का। सब लोग बोलते हैं कि गलत हुआ हमारे साथ, ब्रेकअप भी होता है, सब चीज़ें होती है, बट आप अगर प्यार नहीं करोगे तो अच्छी मेमोरीज के साथ आगे बढ़ना, वो एक अच्छा एक्सपीरियंस आप मिस कर दोगे। तो यही कहूँगा कि लिव द लाइफ। थैंक यू सर, ब्यूटीफुल टॉकिंग टू यू। हाय गाइस, दिस इज कुणाल वर्मा एंड आप मुझे देख रहे हैं अरबन एशियन पे। सो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए, एंड मेरा गाना सुनिए यूट्यूब पे, तू याद आए। थैंक यू।